नमस्कार, मैं हूँ रेणु भाटिया। न्यूज अब भारत में आपका स्वागत है। जनपद कानपुर नगर के थाना गोविंद नगर क्षेत्र अंतर्गत फैक्ट्री एरिया में कुछ ठगी करने वाले शातिर पकड़े गए हैं, जो अमेजोन कंपनी के ऑनलाइन मंगाए जाने वाले सामान को बदलकर नकली सामान जैसे मोबाइल, लैपटॉप, साबुन, पंखा की जगह पुराना सामान लेकर डैमेज करने के बाद अमेजोन कंपनी को टूटा फूटा हुआ सामान वापस कर देते और इस 420C के काम को बखूबी अंजाम देते रहे हैं। ये काम चार युवकों ने लगभग एक साल पहले से चालू किया था, जिसमें उन्होंने अभी तक लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए के सामान को बदलकर अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है। मगर अमेजोन कंपनी की तरफ से FIR दर्ज करवाने के बाद इनको पकड़ा गया तो उन्होंने पूछताछ में सारी बातें बताई और मुकदमा पंजीकृत कर इनको जेल भेजा गया है। उसमें जो ओरिजिनल प्रोडक्ट ना देके ये उसमें या तो डिफरेंट कोई पुराना आइटम डाल देते थे या जो खाली डब्बा होता था वो वापस कर देते थे। चूँकि इसमें जो डिलीवरी एसोसिएट और इनके स्टेशन हेड की मिली भगत होती थी तो वो उस प्रोडक्ट पे कोई भी ऑब्जेक्शन ना लगा के उसको क्लियर कर देते थे। इससे उस प्रोडक्ट का पैसा भी इनको अपने अकाउंट में मिल जाता था और प्रोडक्ट भी मिल जाता था, जिसके बाद ये जितने भी प्रोडक्ट होते थे उनको जालौन डिस्ट्रिक्ट या आसपास के अन्य जनपद हैं उनमें जो डिफरेंट सेलर्स हैं उनको बेच देते थे। अभी हमने जो अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं इसमें मेन जो इनका जो हेड है वो मनजीत नाम का व्यक्ति है जो जालौन का रहने वाला है और उसके पास से और एक बिस्लोई नाम का व्यक्ति है उनके पास से ही ये सामान बरामद हुआ है। इसमें एक व्यक्ति जो था उसका मेन रोल था सिम सप्लाई करने का। जियो की सिम जो है वो पहले से ही फर्जी सिम एक्टिवेट करके रखता था और वो इनको जो ये मनजीत हैं और इनके गैंग वाले हैं उनको देता था वो सिम। उसके बेसिस पे वो अपने फेक ID भी क्रिएट करते थे और उन्हीं से वो ऑर्डर करते थे। लगभग ये कितने दिनों से काम चला था और इसमें कितने लोग की गिरफ्तारी हुई है? इसमें जो ये कंपनी के द्वारा बताया गया है ट्रेस इन्होंने अभी किया है, ये बता रहे हैं कि पिछले साल से जनवरी से ये चीज़ें चल रही हैं। उन्होंने ऑनलाइन जो अकाउंट्स देखे हैं जिनमें बार बार पैसे रिफंड हो रहे थे उन अकाउंट्स को इन्होंने ब्लॉक भी करवाया था और इसमें जो टोटल अभियुक्त जो अभी तक गिरफ्तार हुए हैं वो 10 अभियुक्त हमने गिरफ्तार किया। जो इसमें जियो की सिम ले रहा था, क्या जो जियो की सिम दे रहा था उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, उसको भी हमने अरेस्ट किया है और उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। कितने का माल आज बरामद किया गया? ये जो माल बरामद हुआ है लगभग 7 लाख रुपये के आसपास का है। बाकी भी हम पता कर रहे हैं कि इन्होंने और कहाँ पे वेयर हाउस बना रखे थे और कुछ लोग जो हैं वो 3-4 लोग इसमें और हैं जिनकी संलिप्तता इसमें थी, उनसे भी ये पॉसिबिलिटी है कि उनसे भी ये माल बरामद हो सके। कानपुर के अलावा क्या और भी किसी जिलों में बेचते थे ये लोग? अभी जो हमने अरेस्ट किए हैं वो ये जालौन डिस्ट्रिक्ट के कानपुर के रहने वाले हैं उन्हीं को किया है। बाकी हम डिटेल्ड जो इन्वेस्टिगेशन में और फैक्ट्स अगर सामने आए डिफरेंट जनपद में अलग अलग जनपदों में भी अगर ये कर रहे होंगे तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। एक FIR 2019 में लखनऊ में हुई थी जिसमें सिमिलर तरह का फ्रॉड जो था वो पकड़ा गया था। इसमें मेन मुख्य आरोपी कौन है जो पूरे खेल को खेलता था? देखिए, इसमें अब एक तो जो जितेंद्र था वो क्योंकि SSC था इनके ये काम करता था वो, और जो दूसरा मनजीत है वो इनके प्रोडक्ट जो ये थे एक तो ID फेक बनाता था वो और जितने भी ये आइटम्स खरीदते थे उन सबको वो खरीद के फिर जालौन में बेचता था। लगभग ये क्या करते थे कि 1 लाख का सामान है उसको 60,000 रुपये में मंजीत खरीदता था और फिर उसको जो लोकल मार्केट जो जालौन की थी उसमें ये बेचते थे। और ये जो मंजीत है इसने अपने आप को अमेजोन का लोकल सप्लायर भी ऑनलाइन रजिस्टर कर रखा है। क्या अमेजोन की तरफ से कोई FIR दर्ज करवाई है? ये जो FIR हुई है ये अमेजोन के ही एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने ही FIR दर्ज करवाई थी थाना गोविंद नगर। कानपुर से सारांश गुप्ता के साथ अमन शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज भारत। देश विदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।